लाहौर हाई कोर्ट बार के 28 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई है। इलेक्शन में दोनों सदारती उम्मीदवार पीर मसूद चिश्ती और शेख शाहद मकबूल जीत के लिए पुरजम दिखाई दे रहे हैं। पीर मसूद चिश्ती को आसमा जहांगीर समेत वकला के बड़े ग्रुपों की हमायत हासिल है। अहमद खान और शफकत महमूद चौहान ग्रुप के हमायत याफ्ता उम्मीदवार शेख शाहद मकबूल भी मतदद ग्रुपों की हमायत हासिल कर चुके हैं। मेरे अपने पर्सनल तलुकात हैं, हमारा ग्रुप है, ग्रुप में अच्छे सारे लीडर्स हैं और हमारे दोस्त सारे मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो पैसे की जो चीज़ है उसके ऊपर हम कवर इस तरह कर रहे हैं कि हम मोहब्बत कर रहे हैं, दोस्तों से प्यार दे रहे हैं दोस्त और सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वोट की। जीत के इम्कान तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल से मैं पूरा उम्मीद और तमाम बड़े जितने भी ग्रुप्स हैं जिसमें सबसे पहले प्रोफेशनल ग्रुप ने मुझे वोट किया, अमीर आलम खान साहब ग्रुप, शफकत चौहान साहब का ग्रुप। इंतखाबात में कुल 4 नशिस्तों के लिए 10 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। जात, बरादरी और ग्रुपों के नाम पर होने वाले इंतखाबात में उम्मीदवारों के हामी खुलकर हमायत कर रहे हैं। बेसिकली तो हम इसको कंडेम करते हैं, जात बरादरी से हटके होना चाहिए, लेकिन अब एक मुआशरे में जो मजबूरी है वो हमारे भी पेनिट्रेट की हुई है, सो मजम्मत हम करते हैं, लेकिन इसको ये ऐसी एक चीज़ शामिल हो गई हमें, इससे निकलना बहुत मुश्किल है अभी। मैं जी पीर मसूद चिश्ती को सपोर्ट कर रहा हूं, वो इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं कि मैं मेरिट के ऊपर इनको बेहतर पाया है। बार की 100 साल तारीख में पहली मरतबा इंतखाबात बायोमेट्रिक निजाम के जरिए होंगे, जिनमें रजिस्टर्ड 11,000 वोटर्स बायोमेट्रिक निजाम के तहत अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। 80% बायोमेट्रिक्स हो चुके हैं, जो 10% 5% 20% रह गया वो उसी वक्त बायोमेट्रिक्स करे, पहले बायोमेट्रिक्स उसके भी दोनों कार्ड चेक करे। दूसरी जानिब इंतखाबी जाब्ता अखलाक के बरक इंतखाबात में खाबों और टी पार्टियों का सिलसिला भी भरपूर तरीके से जारी है। कैमरामैन मोहम्मद साद वकास के साथ अब्दुल रहमान, वक्त न्यूज़, लाहौर।